किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 में जो चर्चा हो रही है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे से पूर्व भी पक्ष और विपक्ष के कई विद्वान सांसदों ने अपनी जो बात है वो इसके ऊपर रखी है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बहुत बड़ी चिंता बच्चों के लिए जताई है देश के अंदर। इस विधेयक के बारे में बताया कि इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में बच्चों की बेहतर तरीके से रक्षा कैसे हो। किशोर न्याय अधिनियम भारत के संविधान के अनुसरण में बनाया गया जो बालकों के लिए समान अधिकारों का अध्यादेश करता है और राष्ट्र को अन्य बातों के साथ बालकों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय करने के निर्देश भी देता है। ये बात आपने विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कही है। सबसे मतलब आपके विधेयक में बताया गया कि ये बिल जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को और अधिक सशक्त करेगा, साथ ही जिला स्तर पर बाल संरक्षण की प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी, जिसकी बहुत समय से बहुत बड़ी आवश्यकता भी थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि जिला स्तर पर जो बाल कल्याण समिति होती है वो एक न्यायपीठ की तरह काम करती है, और ऐसे में किसी बालक बालिका को दस्तयाब करना होता है तो क्या वो बाल कल्याण समिति पुलिस को निर्देश दे सकती है या नहीं? क्योंकि पहले दे सकती थी। अभी मार्च माह में मेरे ही नागौर संसदीय क्षेत्र नागौर में कार्यरत एक महिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से ये कहा कि बाल कल्याण समिति पुलिस को निर्देश नहीं दे सकती। एक तरीके से ये अवमानना की इन्होंने बाल कल्याण समिति की। तो ऐसे मामलों में भी आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ऐसे में पुलिस और इस संस्था में टकराव की स्थिति बनी। कहीं न कहीं हम जिस उद्देश्य से कानून लाते हैं उससे विपरीत प्रभाव पड़ता है, और कानून के रक्षक इस प्रकार की समितियों को लेकर अगर सार्वजनिक टिप्पणी करें, प्रेस के सामने बात करें, तो ये संस्थाएं मजबूत कैसे होगी? इस विधेयक के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया को जिला स्तर पर पूरा करने का उद्देश्य बताया, जो अच्छा कदम है, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 की उपधारा 1 उपबंध करती है जो उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ परित्यक्त आदि बालकों के लिए कुटुंब के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दत्तक ग्रहण का उपाय अंगीकृत किया गया, और उक्त अधिनियम की धारा 63 उपबंध करती है कि दत्तक ग्रहण के संबंध में न्यायालय द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण आदेश ही अंतिम माना जाता है, परंतु चूंकि न्यायालय में ऐसे मामलों को निपटाने में लंबा समय लग जाता है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर प्रक्रिया पूरी करने का प्रस्ताव विधेयक के माध्यम से आप लाए हो, जो अच्छी बात है। ये अधिनियम उन किशोरियों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज बड़े गंभीर अपराध करके लोग इसलिए छूट जाते हैं कि उनकी आयु 17 साल और 11 महीने और 29 दिन हो, 18 साल से कम है तो भी उसको कह रहे थे 3 साल की सजा से ज़्यादा हो नहीं सकता। ऐसे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर कई अपराध पर कई सोची समझी चाल के तहत ही लोग बड़े गिरोह हैं जो क्राइम कराने के लिए बच्चों का दुरुपयोग करते हैं। ये निश्चित रूप से जिसकी उम्र 16 से 18 वर्ष जो जघन्य अपराध में आपने 16 साल तक शामिल किए, ये स्वागत योग्य, बहुत बड़े अरसे से इसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। जब देश के अंदर छोटे बालिकाओं के साथ बालकों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी, तो निश्चित रूप से देश की सरकार ने इसकी चिंता करी और ये बहुत ही आवश्यक था जो आपने इसको घटा के 16 वर्ष किया। बाल अपराध की दर दिन प्रतिदिन बढ़ने और ऐसे अपराधों की प्रकृति भी जटिल होने चिंता। आज के बिल का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश में बाल अपराधों, बच्चों के साथ घटित अमानवीय कृत्यों और यौन शोषण के बढ़ते मामलों में सदन में चिंतन करने का अवसर मिला, क्योंकि वर्ष 2019 तक NCERB ने शोषण, यौन शोषण और बच्चों के खिलाफ अपराधों के जो आंकड़े जारी किए थे चिंताजनक है। 2017 में 129,032 मामले इस श्रेणी के दर्ज, और वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 141,764 हो गया। वहीं 2019 की सूची में आंकड़ा 148,185 हो गया। इसी प्रकार मेरे राजस्थान में वर्ष 2017 में 5180 मामले थे जो 19 में बढ़कर 7385 हो गए। सब एक मिनट लूँगा आपकी। मंत्री महोदय, आपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, आपने जिस बात की चिंता व्यक्त की उसी पर मैं आपको पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएँ सरकार से अन्य माध्यम से बच्चों के संरक्षण के लिए बजट तो जुटा लेते हैं मगर उसको सही रूप से खर्च नहीं करते, कहीं पर खाना सही नहीं है तो कहीं अन्य प्रकार की अव्यवस्थाएं। एक मिनट, कभी कभी 3 मिनट में बात पूरी, मैं फिर इसको बोलूंगा, सब आएगा नहीं है ना जी। एक मिनट, तो कई अन्य प्रकार की अव्यवस्थाएं, इसको लेकर आप क्या करेंगे जरूर बताएं। एक मैं मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की तरफ देना चाहूंगा कि देश में बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते मामले और गुमशुदगी दर्ज होने के बाद
उन्हें ढूंढने में जो ढिलाई बढ़ती जा रही है चिंताजनक है। बाल तस्करी के बढ़ते मामले में भी चिंता रही। एक मेरा सुझाव है कि बाल भिक्षावृत्ति को रोकने पर भी सदन को गंभीर विचार करने की जरूरत है। आगे मेरे ख्याल से जी कई स्थानों में संगठित गिरोह गरीब ऐसा है बच्चों तस्करी करके लाए गए बच्चों से भीख मंगवाते ऐसी जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास होने के बावजूद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी आधा मिनट समझ मोदे हम रात को लास्ट समाप्त कीजिए आधा मिनट कर रहा हूं बाद आप डिस्टर्ब कर दो फिर गड़बड़ हो जाएगा करिए आधा मिनट ना। स्थानीय प्रशासन के पास होने के बावजूद कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होती इसलिए बच्चों के संरक्षण के लिए हमें इस मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं न्यायपालिका में निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूँ बस लास्ट बता रहा हूँ। मगर जनवरी 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक जजमेंट दिया उस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय के जो सब समाचार पत्रों प्रकाशित हुए उत्तर सदन में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोर्ट ने कहा कि किसकी किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क हुआ। उस जज ने बोला अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं में केवल जबरन छूना यौन हमला नहीं माना जाएगा। उस ऐसे जज को हटाया जरूर है लेकिन ऐसे हाईकोर्ट के जज को बर्खास्त करना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे किशोर